झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास बेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले बेड़िए हैं। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की अंजील बड़ी सख्त है और बहुत सारों के लिए जो सुनने वाले होंगे, देखने वाले होंगे, उनके लिए ज़रा हौसला रखना होगा कि वो चीज़ों को बर्दाश्त करें कि खुदा का कलाम आज हमें क्या कह रहा है और यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है। यीशु मसीह बड़ी आजजी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है हम सब लोगों को कि झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास बेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कल सोच रहा था कि यीशु मसीह ने ये भेड़िए का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया या इनको इससे तशबीह दी, ये क्यों दी? क्योंकि अगर भेड़िए के करैक्टर को देखा जाए, उसके किरदार को देखा जाए, उसकी बातों को देखा जाए, उसका अमल जो है उसको देखा जाए, तो भेड़िया शेर से भी कहीं ज्यादा अच्छा है और शेर से भी कहीं ज्यादा बहादुर है। और बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम शेर से जोड़ते हैं, मेरे शेर जैसा बच्चा, यानी बहादुर बच्चा। कभी किसी ने यह नहीं कहा मेरा बच्चा भेड़िए जैसा बच्चा, लेकिन भेड़िया शेर से भी ज्यादा बहादुर है। भेड़िए की अगर सिफतों को देखा जाए तो वाकई भेड़िया एक बड़ा बहादुर जानवर है, बड़ा समझदार जानवर है। अगरचे वो जंगली खूनखार दरिंदा है, लेकिन उसमें बहुत सारी सफात भी हैं। सफात उसमें इतनी अच्छी हैं कि हम सुनकर हैरान रह जाएंगे। पहली बात, उसमें एक सिफ्त यह है कि वो एक वफादार जानवर है, एक वफादार जानवर है। और सबसे बड़ी बात आज समझें कि वो अपनी शरीके हयात से बड़ा वफादार है, अपनी बीवी से बड़ा वफादार होता है। कई जानवरों को हम देखते हैं, ना वो फीमेल हो, ना वो बहन का ख्याल करता है, ना वो मां का ख्याल करता है, ना वो आसपास का ख्याल करता है। उसके लिए कोई अखलाकी बात नहीं है उसमें, उसके लिए सब जानवर है। ना उसके लिए मां है, ना उसके लिए बहन है, ना उसके लिए कोई और रिश्ता है। वो जिसके साथ चाहे जिंसी ताल्लुकात बनाता है। लेकिन भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो सिवाय अपनी फीमेल के साथ, जो उसकी बीवी होती है, उसके साथ वफादार रहता है। वो बुरी निगाह अपनी मां पर भी नहीं रखता और ना अपनी मां के बतन से जो फीमेल पैदा होती है उसकी तरफ ध्यान देता है। उसका ध्यान वफादारी के हिसाब से अपनी बीवी के साथ होता है, वो कभी इधर उधर नहीं देखता। और दूसरी बड़ी उसकी सिफत यह है कि जब उसका मां बाप यानी बुजुर्ग उसके भेड़िए बूढ़े हो जाते हैं, तो वो बाहर से कमा शिकार करके खुद ही नहीं खाता बल्कि उनके लिए भी लाता है और उनकी बड़ी इज्जत करता है। अगर खुदा न खास्ता भेड़िए की मां मर जाए या भेड़िए का बाप मर जाए, वो 3 महीने तक खड़ा रहता है अपनी उस लाश के पास, अदब के साथ एहतराम करता है,
और वो खड़ा रहता है, सोग में खड़ा रहता है कि मेरा बाप मर गया या मेरी माँ मर गई। ऐसी बातें इसमें आज हम देखेंगे। और उसके बाद ये अगरचे बहादुर जानवर है, खूनखार जानवर है, तो इसके साथ साथ आज ये भी हम देखेंगे कि वो जानवर बहादुरी के लिहाज से जो गिना गया, तो हमारे सामने पैदाइश की किताब में यकूब नबी जब अपने बच्चों को बरकत देता है या नबुवत करता है, तो वो 12 बच्चों को हर एक तरीके तरीके से बरकत देता और उनके साथ बात करता है। लेकिन बिन्यामीन के साथ वो एक ऐसी बात करता है, ये जरा सुने। बिन्यामीन से कहता है, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सुबह को शिकार करेगा और शाम को गनीमत बांटेगा। क्या करेगा बिन्यामीन? ये कौन है बिन्यामीन? यकूब, बाप यकूब का एक बेटा है जिसे वो बरकत दे रहा है, और वो उसे इस लकब से पुकार रहा है कि तू फाड़ने वाला भेड़िया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो देखता है कि वो बहुत बहादुर है। आज भी अगर हम देखें तो उस नस्ल से तल्लक रखने वाले, उस कबीले से तल्लक रखने वाले, बिन्यामीनी कबीले से तल्लक रखने वाले आज भी लोग बहादुर हैं, जंगजू हैं, वो डरते नहीं हैं। हमारे सामने एक कबीला इधर, आपने कभी देखा बिन्यामीनी कबीला? नहीं देखा? पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये लोग अफगानिस्तानी जो हैं, इनमें से बहुत सारे लोग बिन्यामीनी कबीले से तल्लक रखते हैं, और वो बहादुर हैं, बहादुर लोग हैं, डरते नहीं हैं, जंगजू लोग हैं। और इनको क्यों जंगजू लोग हैं? क्योंकि इन्हें अपने अजदाद यानी बाप यकूब की दुआ भी है और बरकत भी है, इसलिए वो जंगजू लोग हैं, बहादुर लोग हैं। और बिन्यामीनी कबीले को भी, बिन्यामीन को ये कहा गया, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सुबह को शिकार करेगा, खाएगा और शाम को गनीमत बांटेगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम पलूस रसूल पर नजर दड़ाएं, तो पलूस जब शाऊल था, पलूस जब अभी उसकी तब्दीली नहीं हुई थी, मसीहत को उसने कबूल नहीं किया था, तो वो भी बिन्यामीनी कबीले का था, और बिन्यामीनी कबीले होने की वजह से बड़ा बहादुर था। और उसने यहूदियों की मजहबी क़यादत से, उनकी मजलिस से इजाजत ली कि मुझे ये काम सौंपो, मुझे ये काम सौंपो, ये जिम्मेदारी मुझे सौंपो कि मैं मसीहियों को खत्म करूं। और उसने दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ तलवार को उठाया और मसीहियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। सब लोग उससे डरते थे जब नाम सुनते थे मसीही लोग उस वक्त के, कि शाऊल आ रहा है, तो वो अपने कमरों में दरवाजे बंद कर लेते थे और कमरों में अपने आप को बंद कर लेते थे, क्योंकि वो डरते थे कि ये एक फाड़ने वाले भेड़िए की तरह है, जो जिसके दांत नकीले हैं वो माफ नहीं करता, उसके हाथ में जो भी आएगा मर जाएगा, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे शीरखार बच्चा हो, वो उसे मार देगा। और ये ऐसा हुआ क्योंकि वो बहादुरी के साथ ये काम करता था। लेकिन जब उसका तब्दीली का वक्त आया, तो उसकी यही बहादुरी, उसकी यही जुरत खुदा के कलाम को फैलाने में लग गई, अंजील की बिशारत करने में वो लग गया। जब उसकी तब्दीली हुई, तो उसकी सारी ताकत, उसकी सारी बहादुरी, उसकी सारी जुरत, उसका सारा हौसला,
मसीहत को फैलाने में लग गया। और इसके बाद हम एक और बात देखते हैं कि सफनिया बिन कोशी अपने समाजी जमाने पर गौर करता है, अपने मुआशरे पर गौर करते हुए उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग उसे नजर आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जिनमें ये खासियत पाई जाती है फाड़ने वाले भेड़िए की। और वो अपने दौर के काजियों को मुखातब होकर कहता है, काजी शाम को निकलने वाले भेड़िए हैं जो सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते, उनके उसके नबी फासिक और दगाबाज हैं, उसके कहन मकदस को नापाक करते और शरीयत को तोड़ते हैं, शरीयत को तोड़ते हैं। ये वो खुदा का बंदा नबी ये फरमा रहा है कि उस वक्त के काजी जो है वो भी फाड़ने वाले भेड़ियों की तरह थे, वो भी इंसाफ से काम नहीं लेते थे, वो तरफदारियां करते थे, पैसे लेकर इंसाफ देते थे, वो लोगों को खाते थे, उनको मरोड़ देते थे, गरीबों को मरोड़ देते थे, इंसाफ करने का तराजू उनके पास से जाता रहा था। इसलिए नबी उन्हें कहता है काजी शाम को निकलने वाले भेड़िए हैं। इसी तरह आज हम यीशु मसीह के इन अल्फाज पर गौर करते हैं जो उसने अपने दौर में मुख्तलिफ लोगों को देखते हुए कहे, मुख्तलिफ लोगों को देखते हुए कहे, मजहबी रहनुमाओं को देखते हुए कहे, उस वक्त के कहनों को देखते हुए कहे, उस वक्त के पास्टरों को देखते हुए कहे। क्या कहे थे? झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास बेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़िए पे कम जोर है, ये जरा समझने की कोशिश, ज्यादा जोर है भेस बदल कर आने वालों पर, जो भेस बदलते हैं और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम वो खादम हैं जिन्हें खुदावंद ने चुना है, हम वो खादम हैं जो खुदा की तरफ से आए हैं, हम वो नबी हैं जो खुदावंद का कलाम सुनाते हैं। जबकि इर्मिया नबी फरमाता है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी करने वाले नबी हैं, चापलूसी करने वाले पास्टर हैं, चापलूसी करने वाले काहिन हैं। असल में ये नबी नहीं हैं, असल में ये पास्टर नहीं हैं, ये बेस बदले हुए हैं। इनका बेस जो है वो ऐसे लगता है कि ये जैसे पास्टर हैं। और ये पास्टर कैसे हैं? क्या ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम पास्टर? उनका रहन सहन अपना पास्टरों जैसा बना लेते हैं, अपना बोल चाल उन जैसा बना लेते हैं। और याद रखे, बेस बदलने से, बेस बदलने से हकीकत नहीं बदलती, बेस बदलने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत वो है जो सच्ची होती है। अगर आप इर्मिया की जगह पर नबी बन जाएं, यर्मिया की जगह पर नबी बन जाएं, हिस्कीएल की जगह पर नबी बन जाएं, तो आप हिस्कीएल नहीं बनेंगे। हिस्कीएल का किरदार हिस्कीएल का है, इर्मिया नबी का किरदार इर्मिया नबी का है, यसाया का किरदार यसाया का है। हम यसाया नहीं बन सकते और ना हम मसीही बन सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जमाना आएगा, एक जमाना आएगा जब लोग कहेंगे ये मसीह है, हालांकि वो मसीह नहीं होगा, मसीह नहीं होगा, झूठे मसीह होंगे। कई सदियों से हम देख रहे हैं बहुत सारे पास्टर्स उठे हैं, बहुत सारी तंजीमों के हेड उठे हैं और उन्होंने कहा कि हम मसीह हैं,
और उन्होंने कईयों ने ऐसी नबुवत की कि जो मसीह आने वाला है वो मैं हूं, हालांकि वो नहीं है, वो बात कह गए और मर गए हुए हैं, अब मसीह हुए तो नहीं है। और कईयों ने ये ऐलान किया था कि मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, फलां तारीख को मसीह आने वाला है। और एक दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका के अंदर किसी पास्टर्स ने कहा कि मसीह फलां तारीख को, मसीह फलां तारीख को आसमान से जमीन पर उतर रहा है। सारे मुल्कों के लोग वहां पर पहुंचे और कई लोग वहां पर गए, कई लोग वहां पर गए, वो ग्राउंड भर गई। और जब वो डेट आई तो उस नबी से, उस पास्टर से पूछा गया, तारीख तो आ गई, अभी तक मसीह नहीं जमीन पर उतरे। उसने कहा वेट करो, इंतजार करो, अभी फलां घड़ी को आएगा। टाइम दे दिया, उस टाइम पर भी ना आए मसीह, उस टाइम पर भी ना आए। तो फिर उसके पैरोकारों ने पूछा, रबी, पास्टर जी, मसीह अभी नहीं आया। उसने कहा उसने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, आप अपने अपने वतन को चले जाएं। ये है नबुवत, ये है झूठी नबुवत, ये है झूठे नबी, ये है झूठा विजन जो हम लोगों को देते हैं। और ये खुदा के नबी नहीं हो सकते, ये खुदा के काहिन नहीं हो सकते जो किसी को झूठा विजन दे। एथियोपिया की बात है कि एथियोपिया की सेमिनरी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहा था और दो स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनमें से एक बड़ा जहीन स्टूडेंट था। उसने कहा, उधर ज्यादा पास्टर को नबी कहते हैं, पास्टर को नबी कहते हैं। उसने कहा हमारे नबी ने कहा है, यानी हमारे पास्टर ने कहा है कि अगर तेरी शादी इस लड़की के साथ ना हुई तो तुम दोनों मर जाओगे। क्या होगा? तुम दोनों मर जाओगे। वो लड़का बोला कि मैं उस पास्टर की बात को सुनता रहा और मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी उसके साथ कोई लैक्स लैक नहीं है, मैं कैसे उससे शादी करूं, ना वो जो मेरी समझ में आती है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने कहा अगर तू नहीं करेगा तू मर जाएगा। कुछ अरसा के बाद फिर वो उस पास्टर से मिला जिसने नबुवत की थी, तो उसने कहा मुझे 15 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ वो लड़की नहीं जिसकी आपने रोया देखी थी, कोई और लड़की है। तो उसने कहा मैं तो नहीं मरा और ना ही मेरी बीवी मरी है। तो उसने कहा मैं क्या कहूं तुझे, तेरा विजन कैसा था? अगर तू खुदा का नबी था, अगर तू खुदा का पास्टर था, अगर तेरी रोया मेरे लिए ये आई मेरे लिए ये आई तो मैं तो नहीं मरा। इसका मतलब यह है कि तेरी रोया भी गलत और तू भी गलत है, तू भी खुदा का खादम नहीं है, क्योंकि तू सच्ची रोया नहीं देखता, तूने झूठी रोया देखी। और आज भी हम अपने जमाने में देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे पादरी, बहुत सारे कहन ऐसे ही रोया देखते हैं, जो नहीं उन्हें पता उसकी रोया दे देते हैं कि हमने रोया में ये देखा, हमने रोया में ये देखा। और जब रोया में ये नहीं होता तो ये समझ लो कि वो सही पास्टर नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो नबी, सुनो, जो नबी खुदा के नाम पर बात करता है और वो बात पूरी नहीं होती तो वो झूठा आदमी है, झूठा नबी, वो झूठा आदमी। और बहुत सारे पास्टर आज भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे काहिन भी आज ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने आप को ग्रांते तो बहुत अच्छा है, अपीयरेंस भी अच्छी रखते हैं, दुआएं भी बड़ी लंबी लंबी करते हैं, यीशु का नाम भी दुराते हैं, यीशु के नाम पे मौजज़े भी करते हैं, दुआएं भी अच्छी अल्फाज से अदा करते हैं,
मगर देखना है कि वो पास्टर सही हैं या गलत है। आप कैसे परखेंगे, उनकी परख का अंदाजा कैसे करेंगे, और उनको परखने के लिए देखो कि क्या उनके अंदर खुदा का रूह भी है कि नहीं है। और आज यीशु मसीह बड़ी सख्ती के साथ ऐसे पास्टर्स की तरफ उंगली उठा रहे हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने, जरा देखो, ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। ये पास्टर है, ये काहिन है, ये पासबान है, ये बिशप्स हैं, जो खुदावंद के सामने खड़े हैं, अदालत के रोज खड़े हैं और कह रहे हैं, आए खुदावंद, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की? उससे सवाल कर रहे हैं, और तेरे नाम से बद्रूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं किए? ये बता रहे हैं कि हम तेरे नाम से ये करते रहे हैं, लेकिन आज तू हमें हमारी तरफ निगाह नहीं कर रहा, हमारी तरफ से तूने मुंह मोड़ा हुआ है, क्यों? तो वो कह रहा है, तब मैं उनसे साफ कहूंगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम करते होगे लेकिन मैं नहीं जानता, ऐ बदकारो मेरे सामने से दूर हो जाओ, ऐ बदकारो मेरे सामने से दूर हो जाओ, खुदावंद को झूठे नबी, झूठे काहिन, झूठे पास्टर्स, झूठे पादरी नहीं पसंद। खुदावंद सच्चे बंदे चाहता है, और हमारे सामने बार बार यीशु मसीह ये फरमाते हैं, झूठे नबियों से खबरदार रहो। पौलुस रसूल भी हमारे सामने ये बात रखते हैं कि हमें भी नसीहत करता रहता है पौलुस रसूल भी कि हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो भेड़ों को फाड़ते हैं, जो गल्ले में जाते हैं, बेस उनका भेड़ जैसा है, जो कपड़े पहनते हैं ना वो ऐसे ही लगता है जैसे भेड़ है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो काटते जाते हैं, अंदर ही अंदर से काटते जाते हैं। उनके दांत इतने नकीले होते हैं कि वो पता भी नहीं देते कि वो किस वक्त भेड़ को खा जाए, ऐसे जल्दी 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 हजम कर लेते। इसका क्या मतलब कि आज भी बहुत सारे पास्टर्स जो होते हैं ना, वो सेल्फ मेड जो पास्टर्स हैं, जो खुद को अपने आप को पास्टर बना लेते हैं, काहिन बना लेते हैं, उनके बारे में खुदावंद क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसे बंदे को परखना हो तो उनका लालच देखो। दरख्त अपने फलों से पहचाना, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। ये आज की अंजील में ये लिखा हुआ है कि अगर तुमने सच्चे नबी को और झूठे नबी को परखना है तो उसके फलों से उनसे पहचानो को वो कैसा है। जिस तरह दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इसी तरह खुदा का खादम भी अपने फलों से, अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने किरदारों से पहचाना जाता है। अगर उसके किरदार अच्छे होंगे तो खुदावंद उसे पसंद करेगा कि ये मेरा बंदा है, इसको पहचानना, वो उसको लालच नहीं होता, उसको लालच नहीं होता। अलियास नबी के अलीशा नबी के पास बंदा आया और वो बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर आया, तोहफे तहाइफ लेकर आया। जब नमान कोड़ी की बात है ना, वो जब आया तो बहुत सारा सामान साथ लेकर आया। वो चाहता था कि वो नबी को राजी करेगा, अपने रुपए पैसे से, अपने तोहफों से वो नबी को राजी करेगा। नबी ने एक आंख भी उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी चीजों की तरफ नहीं देखा। नबी ने कहा ठीक है, तेरे तोहफे तेरे साथ साथ ले जा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो सच्चा प्रॉफिट होगा, जो सच्चा नबी होगा,
उसका ध्यान किसी की दौलत पर और किसी के तोहफों पर नहीं होगा, उसका ध्यान खुदा की तरफ होगा, क्योंकि उसे इलम है कि खुदा मुझे उस वक्त भी दे देता है, खुदा उस वक्त भी मुझे देता है जब दुनिया में कुछ नहीं होता, हर तरफ काल पड़ा होता है, ना जमीन पर रोटी होती है और ना गोश्त होता है, खुदा मुझे उस वक्त भी देता है तो मैं ऐसे तोहफों का क्या करूं। उसकी लगन जोड़ जो है वो खुदा के साथ है। हमने पिछले इतवार भी सुना कि एलिया नबी किस तरह खुदा उसे खुदा उसको पालता है, क्रेत के नाले पर कैसे पालता है, कवे उसको खुराक देते हैं, सारफत की बेवा के घर जाता है वहां उसे खुदा उसे देता है जबकि वहां पर कुछ चीज खाने के लिए भी नहीं। तो ऐसे नबी होते हैं, और वो नबी नहीं होते जो अपने पेट के लिए काम करते हैं, वो खुदा के नबी नहीं हो सकते। क्योंकि भेड़िए इसलिए भी कहा गया, यीशु मसीह इसलिए भी कह रहा है, बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं क्योंकि ऐसे निगार रखते हैं, ये जरा गौर से सुनना, वो निगार रखते हैं कि अच्छा घर कौन सा है, मालदार घर कौन सा है, और वो गरीबों के घरों में जाना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों उन्हें पता वहां से 20 रुपए या 10 रुपए मिलेंगे, अगर 10 रुपए और 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो वहां से जवाब मिलेगा, तो अपने वक्त क्यों जाया करें। हमारा ध्यान उन बड़े घरों की तरफ है, उन बड़े घरों की तरफ है जिन्हें हमें पता है 500 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा या 5000 रुपया मिलेगा। हम इनके घरों में जाने के बजाय उनके घरों में जाते हैं, इनको दोस्त बनाने की बजाय उनको दोस्त बनाते हैं, क्योंकि वहां से हमें कुछ मिलेगा। तो ये है पेट के खादम, ये है पेट के खादम जो खुदा की भेड़ों को पालने की नहीं बल्कि अपने पेट को पालने की कोशिश करते हैं। तो खुदावंद आज ऐसे लोगों को इसीलिए कहता है जो बड़े फखर से कह रहे हैं, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की। हाँ, तुमने नबुवत की होगी, लेकिन तुम्हारी वही नबुवत ऐसी होगी जैसी ये मैंने कांस की कहानी सुनाई थी, वो अथोपिया के नबी की तरह की, जिसने ये नबुवत की कि अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो जीता रहेगा, अगर नहीं करेगा तो मर जाएगा, तो मर जाएगा। ऐसी नबुवत खुदामंद को पसंद नहीं थी, और इसीलिए यीशु मसीह आज खुले अल्फाज में ऐसे खादमों से मुखातब होकर कह रहा है, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं किए, मोजज़े किए हैं मगर तेरे मोजज़े में भी दोगलापन है। नाम तू ऊपर से मेरा लेता है, अंदर से कुछ और पढ़ता है, मंत्र जो पढ़ते हैं, जो टाइये करते हैं, समझ आ रही है मेरी बात की? ऊपर ऊपर से कहेंगे खुदावंद खुदावंद का नाम लेंगे, लेकिन अंदर से वो और काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे पास्टर्स को आज बड़ी लानत खुदा दे रहा है, बरकत नहीं दे रहा, लानत दे रहा है। और उसके बाद खुदावंद उनसे जो वो तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं ना, तवक्को उनकी क्या है कि हम खुदावंद के साथ रहेंगे, आसमान की बादशाही के वारस होंगे, लेकिन खुदावंद उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दे रहा है, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर रहा है, कह रहा है नहीं। तब मैं उनसे साफ कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना। वो कह रहे हैं खुदावंद खुदावंद, वो कह रहे हैं खुदावंद खुदावंद, लेकिन वो कहते हैं मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। लेकिन वो अपने आप को गिनते हैं कि हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरे नबी हैं, हम तेरे पास्टर हैं, हम तेरे पादरी हैं, तेरे नाम से बाहर निकले हैं, तेरे नाम से लोगों को जाके। वो कहता पता नहीं क्या कर रहे हो, अपने पेट के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। और इसलिए वो उन्हें कहता है कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। हाँ, जरा लफ्ज सुनो,
जिन्हें हम रेवरेंड, दी रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, इज्जत मुआब कह रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें क्या कह रहा है? ए बदकारो, मेरे सामने से दूर। किधर गया लफ़ज़? किधर गई उनकी इज्जत? किधर गया उनका ओहदा? सब खत्म। खुदा के सामने वो इज्जत मुआब नहीं है, खुदा के नज़दीक इज्जत मुआब नहीं है, खुदा के सामने वो रेवरेंट नहीं है, खुदा के सामने वो दी मोस्ट रेवरेंट नहीं है, क्योंकि उनके करदार, उनका फल जो है वो दिखाता है कि वो खुदावंद के काबल नहीं है, वो उसकी कहानत के काबल नहीं है, वो उसका नबी कहलाने के काबल नहीं है, वो उसका खादम कहलाने के काबल नहीं है। इसलिए खुदावंद कहता है, ऐ बदकारों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। और आज हम अपने आप को इस कसवटी पर रखते हैं कि हमारे घरों पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को पादरी करानते हैं, क्लेम करते हैं कि हम पादरी हैं, या हम पास्टर्स हैं, या हम बिशप हैं, या हम कहन हैं। तो हम उनके कामों से उन्हें पहचानें, उनके करदार से हम उन्हें पहचानें कि उनका करदार हमारे सामने क्या है, क्या वो खुदा की तरफ ला रहे हैं या हमें अब्लीस की तरफ ले जा रहे हैं। अगर तो वो फाड़ने वाले भेड़िए की मानंद हैं, फाड़ने वाले भेड़िए की मानंद हैं जिनके दांत नकीले हैं, यानी गोश्त खोर हैं, हर वक्त उनका ध्यान अपने पेट की तरफ होता है कि किस तरह मैंने बेवाओं को लूटना है, किस तरह मैंने बड़े घरों को लूटना है, और कौन सी बातों से चापलूसी करके। जब चापलूसी की बातें आती हैं ना, मैं आपको आज सच सच बता रहा हूं सारे लोगों को, जो पास्टर चापलूसी की बातें करेगा वो सच्चा पास्टर नहीं है। वो आपको राजी कर रहा है लेकिन अपने खुदा को नाराज कर रहा है, अपने खुदा को नाराज कर रहा है। और बहुत सारे पास्टर इस जहान में आज ऐसे ही हैं जो हम दुनिया को राजी कर रहे हैं, लोगों को राजी कर रहे हैं। लोगों को राजी करने से क्या मुराद है? बहुत सारी तंजीमें आज के दौर में आई हैं, इंसानी हकूक के नाम से तंजीमें आई हैं जो पैसा देती हैं और कहती हैं कि ये बात कहो। और जो पादरी पेड होते हैं, जो पादरी रुपए पैसे के भूखे होते हैं, वो कहते हैं लाओ हम इसको कलाम से साबित करेंगे, इस कलाम से साबित करेंगे कि ये सही है। वो कहते हैं औरत की शादी औरत से कर दो, मर्द की शादी मर्द से कर दो, ऐसे ही रहो जैसे एक मर्द और औरत रहती है, और जो तलुकात एक औरत और मर्द के, बीवी के और खामद के हिसाब से होते हैं, मर्द मर्द के साथ और औरत के साथ करो। कई पास्टर ऐसे होते हैं, ऐसे हैं अभी इस जहान में हैं, और वो उन्हें बरकत देते हैं, बरकत दे रहे, और इस कानून को कहते हैं ठीक है। क्यों कहते हैं ठीक है? क्योंकि उनके पेट में डाला जा रहा है पैसा, उनके पेट में पैसा डाला जा रहा है, और वो उस पैसे की वजह से ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। दिल डरता है ऐसी बात करने को, जबकि खुदा का कलाम साफ साफ कहता है ऐसे लोगों के बारे में कि लौंडेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जब ये दाखिल नहीं हो सकते, तुम बरकत किस नाम से दे रहे हो? तुम्हें उन्हें ये मैरिज का सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हो कि ये शादीशुदा है? कैसे दे सकते हो जब खुदा उन्हें लानत भेज रहा है, उन पर, उनके अमल पर लानत भेज रहा है, उनका दाखला खुदा की बादशाही से दूर कर रहा है, तो तुम कैसे उन्हें बरकत दे सकते हो? ऐसे पास्टर हैं झूठे पास्टर, ऐसे पास्टर हैं झूठे, और ऐसे खादम हैं झूठे, ऐसे बिशप हैं झूठे जो इनको पास करते हैं और कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, बीवी औरत की औरत से शादी कर दो, मर्द की मर्द से शादी कर दो, ये खुदा का कानून। और कई ऐसे हैं जो उनमें से बुरे हैं,
और उनको वो फादर बना रहे हैं, उनको वो बिशप बना रहे हैं, उनको वो पादरी बना रहे हैं, उनको वो पास्टर बना रहे हैं, जो लौंडे बाज हैं। से बाहर है खुदा का कलाम क्या कह रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, और इन्हीं के बारे में आज यीशु मसीह फरमा रहे हैं। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये हैं भेड़िए जो लबास जो है वो काहन का पहने हुए हैं, बिशप का पहने हुए हैं, पादरी का पहने हुए हैं, लेकिन काम वो करवा रहे हैं अबलीसी, वो अबलीसी काम करवा रहे हैं लोगों से, शैतानी काम करवा रहे हैं, और काम शैतानी करवा रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं खुदा के नाम से। ऐसे पास्टर को आज कहा गया है, ऐ बदकारो मेरे सामने से दूर हो जाओ। आए हम भी ऐसे पास्टर्स को अपने घरों तक ना आने दें जो ऐसे बातें लेकर आते हैं, जो ऐसा पैगाम लेकर आते हैं, जो काम अबलीस का हो मगर कलाम खुदा का अपने बगलों में रखा हो, अपने बैगों में रखा हो, और कहें हम खुदा का कलाम सुना रहे हैं लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए का किरदार अदा कर रहे हैं। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम वो काम करें, उस अमल पर चलें जिसा यीशु मसीह ने आज हमें सिखाया। यीशु मसीह ने सिखाया, झूठे नबियों से खबरदार रहो। आए हम अपने कानों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें और गौर से देखें कि हमारे घरों में कौन आ रहा है, कौन हमारे घरों को फाड़ रहा है, कौन हमारे घरों में नफरत फैला रहा है। आए आज देखें, ये सारा कुछ देखें। अगर आपको लगे कि ये बंदा सही नहीं है, मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफ डाल रहा है, बाप बेटी के दरमियान इख्तलाफ डाल रहा है, सास बहू के दरमियान इख्तलाफ डाल रहा है, और ये चाह पलूसी करके एक दूसरे को लड़ाइयां करा रहा है, तो समझो ये पास्टर सही नहीं है। पास्टर वो सही है जो सलामती की खबर लाता है, जो आपके घर की अच्छाई की खबर लाता है। पास्टर अच्छा वो है जो आपके पूरे घराने को जोड़ने की कोशिश करता है, जो आपको अच्छा सबक देता है कि किस तरह आपने अपने खानदान में रहना है। खुदा मुझे और सब बरकत दे कि हम इस कलाम पर अमल करें जो मसीह यीशु ने दिया, कि सलामती की खबर दो, ऐसी खबर दो जिससे मोहब्बत आगे बढ़े, ऐसी खबर दो जिससे इत्तेहाद खानदान में आए, मुआशरे में इत्तेहाद आए, बहन भाइयों में इत्तेहाद आए, खराबियां ना आए। तो खुदा मुझे और आप सबको एक बार फिर ऐसा करने की, समझने की और दूसरों तक इस बात को ले जाने की ताकत दे कि झूठे नबियों से खबरदार रहो। बाप और बेटे और रूह कुदस के